नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी योगी सरकार पर लगे फोन टैपिंग के आरोप की, प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे की, जानेंगे कांग्रेस सांसद के दौरे से क्यों डरी बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी, ओपी राजभर ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की किसे दी सलाह, बात करेंगे पंजाब में बनने से पहले ही बिखरते बीजेपी के गठबंधन की, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर एम्स की रिपोर्ट की और बुलेटिन के आखिर में बात निजीकरण को लेकर सरकार की नीति की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी नेताओं में अभी भी बना हुआ है कृषि कानून से प्रेम। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बोले, कृषि कानूनों को निरस्त करने का पीएम का फैसला ऐतिहासिक, लेकिन किसानों के हित में थे कानून। बीजेपी कार्यकर्ता किसानों को बताएंगे कानून के फायदे। बेअदबी मामले में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किया एसआईटी जांच का ऐलान। पंजाब में दो दिन में आए बेअदबी के दो मामले, बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। चुनाव से पहले पीएम ने गोवा को दी कई सौगातें, अस्पताल, हवाई अड्डे के विकास, गैस इंसुलेटेड उपकेंद्र के उद्घाटन सहित कई विकास योजनाओं की रखी आधारशिला। एक महीने में ही हो सकता है गोवा विधानसभा चुनावों का ऐलान। आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी की प्रक्रिया टली, पहले जनवरी के शुरुआत में होनी थी खिलाड़ियों की नीलामी, लेकिन अहमदाबाद की टीम का मामला फंसने से टली नीलामी प्रक्रिया। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनावों के ऐलान में अब एक महीने से भी कम का वक्त बचा है, इसीलिए यूपी में इस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हर दल बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो और पदयात्राओं के जरिए जनता को लुभा रहा है, लेकिन अचानक आईटी की छापेमारी का मामला सुर्खियों में आ गया है। ये छापेमारी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबियों पर हुई है। इसके बाद अब एक और विवाद की यूपी की राजनीति में एंट्री हो गई है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी मनोज यादव और जैनेन्द्र यादव, सपा प्रवक्ता राजीव राय के घर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर अखिलेश ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी के यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी के बयान पर पलटवार करते हुए योगी सरकार को अनुपयोगी बताया। इसके अलावा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे फोन टैप कराए जा रहे हैं और शाम को खुद सीएम योगी उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के माध्यम से डराने का काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि योगी उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं, टेनी को सरकार क्यों बचा रही है। सच तो ये है कि भाजपा को प्रदेश में हार का डर सता रहा है। इस अनुपयोगी सरकार से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। निषाद समाज के साथ धोखा हुआ है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस अनुपयोगी मुख्यमंत्री के राज में ना तो युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है और ना ही परीक्षाएं हो पा रही हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है और सरकार है कि उनकी बात सुनती ही नहीं है। अनुपयोगी मुख्यमंत्री को पता है कि जनता उन्हें हटा देगी, इसीलिए वो आयकर विभाग की रेड करवा कर हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। फोन टैपिंग अगर हुई है तो ये गंभीर मामला है। आरोप सीधे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगे हैं, यानी आने वाले दिनों में फोन टैपिंग का मामला चुनावों के केंद्र में बना रहेगा। चुनाव प्रचार में और गर्माहट लाने के लिए कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगा दी। रायबरेली में आज प्रियंका गांधी ने महिला शक्ति संवाद के जरिए देश की आधी आबादी पर निशाना साधा है। तो क्या कहा प्रियंका ने, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को राहुल गांधी के साथ अमेठी पहुंची थी। वहां उन्होंने प्रतिज्ञा पदयात्रा के जरिए अपने गढ़ को मजबूत किया। इसके बाद रविवार को यूपी के रायबरेली पहुंचकर प्रियंका गांधी ने शक्ति संवाद के जरिए महिलाओं को साधने का प्रयास किया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से बात करते हुए प्रियंका ने कहा कि देश की महिलाएं एकजुट हो जाएं, हम देश की राजनीति बदलेंगे। उन्होंने कहा कि हमें देश और प्रदेश को बताना होगा कि अगर महिलाओं का शोषण हुआ तो हम लड़ेंगे। महिलाओं को समझना पड़ेगा कोई उन्हें राजनीति में सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है, इस पर सोचने की जरूरत है। प्रियंका ने कहा कि महिलाओं ने बहुत सह लिया है, बहुत चुप रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। महिलाओं को अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। प्रियंका ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के लिए जो घोषणाएं हो रही हैं इसे चुनाव के बाद भुला दिया जाता है, तब सांप्रदायिकता और जातिवाद दिखाया जाता है।
ये राजनीति हमें बंद कर देनी चाहिए। प्रियंका ने पीएम मोदी को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि पीएम मोदी के पास 8000 करोड़ के विमान से उड़ने के संसाधन हैं, लेकिन 4000 करोड़ गन्ना किसानों को देने के लिए नहीं है। सीएम योगी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका ने सरकार के उस फैसले का भी जिक्र किया जिसमें महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने का ऐलान किया गया है। महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के सरकार के प्रस्ताव वाली बात पर उन्होंने कहा कि जब से हमने अपना कैंपेन शुरू किया है तब से सब पार्टियां कुछ न कुछ घोषणा करती आ रही हैं। ये अच्छी बात है, राजनीति में ऐसे ही परिवर्तन आएगा। उनको लग रहा है कि महिला सशक्त हो रही है तो उनको घबराहट हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि जिसको महिलाओं के राजनीति में आने का मजाक उड़ाना है मजाक उड़ाता रहे, इस देश की महिलाओं का मजाक उड़ाएगा वो खुद हारेगा। रायबरेली से पहले शनिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ अमेठी में थी। इस दौरान लोगों का जो हुजूम अमेठी में प्रियंका और राहुल के समर्थन में सड़कों पर दिखाई दिया उसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी की, तो क्या कहा बीजेपी सांसद ने और उन्हें क्या मिला जवाब, देखिए ये रिपोर्ट। 2019 के आम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी को उनके ही गढ़ अमेठी में शिकस्त तो दे दी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से अब भी उन्हें चुनौती मिलने का डर बना रहता है। इसीलिए तो स्मृति ईरानी कभी ये आरोप लगाती हैं कि राहुल गांधी ने अमेठी का ख्याल नहीं रखा। कभी वो किसी दुकान पर जाकर पूछती हैं कि यहाँ राहुल गांधी आए थे क्या। और अब तो 18 दिसंबर की कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए जो भीड़ उमड़ी उससे भी स्मृति ईरानी परेशान हो गई हैं। तभी तो उन्होंने राहुल गांधी पर साड़ी और कंबल का लाभ देकर रैली में भीड़ जुटाने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक महिला के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि भीड़ जुटाने के लिए किया साड़ी कंबल का वादा, पूरा नहीं किया युवराज ने, दुखद। इस पर पलटवार करते हुए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने भी ट्विटर पर अमेठी की रैली का एक वीडियो शेयर किया जिसमें महिलाएं लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला कटआउट लेकर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रही थीं। इसी वीडियो को शेयर करते हुए बीवी श्रीनिवास ने लिखा कि अगली बार कभी अमेठी चाट पकौड़ी खाने या लस्सी पीने जाएं तो ऐसे हजारों चेहरों से पूछिएगा जरूर कि क्या गांधी परिवार से कोई आया था। आपको बता दें कि अमेठी में आयोजित रैली के दौरान दोनों भाई बहन ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू की भावना अंदर से पैदा होती है, निडरता से पैदा होती है। जिसके दिल में डर होता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। हिंदुत्ववादी अकेला गंगा में स्नान करता है और हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। एक तरफ प्यार तो दूसरी तरफ नफरत है, एक तरफ अहिंसा है तो दूसरी तरफ हिंसा है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पिछले चुनाव में यहां झूठ का जाल फैलाया गया। ये जाल उन्हीं लोगों ने फैलाया जो पिछले 7.5 सालों से पूरे देश में झूठ का जाल फैला रहे हैं। तो अमेठी की रैली से यूपी के चुनावी माहौल में काफी सरगर्मी बढ़ गई है। अब देखना होगा कि नतीजों पर इसका क्या असर होता है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बीजेपी सांसद जब अमेठी जाएंगी तो शायद उन्हें ये सब सुनने को मिल सकता है। यूपी में बीजेपी सांसद ही परेशान नहीं है बल्कि पूरी पार्टी ही परेशान दिख रही है। खासतौर पर जिस तरह से गठबंधन सहयोगी उससे किनारा करने की कोशिश में है उसने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। संजय निषाद नाराज चल रहे हैं और उन्हें अखिलेश के सहयोगी की ओर से न्योता भी मिल गया है। ऐसे में निषाद पार्टी के एनडीए से अलग होने के संकेत मिलने लगे हैं। निषाद बीजेपी से आरक्षण की मांग कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद थी कि लखनऊ में हुए कार्यक्रम में अमित शाह आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे का नाम तक अपनी जुबान से नहीं लिया, जिसके बाद निषाद समाज के अंदर बीजेपी से नाराजगी बढ़ गई है और अब सपा इसका फायदा उठाने की जुगत में लगी हुई है। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा अध्यक्ष ने निषादों को साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा निषाद समाज के साथ धोखा हुआ है। भाजपा के पूर्व सहयोगी और अब समाजवादी पार्टी के खेमे में जा चुके ओम प्रकाश राजभर ने भी यही कोशिश की है। दरअसल आरक्षण के मुद्दे को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने सत्ताधारी भाजपा को अल्टीमेटम दिया है। संजय निषाद ने भाजपा से इसका हल चुनाव से पहले निकालने को कहा है। वहीं संजय निषाद की नाराजगी देख भाजपा के पूर्व सहयोगी और अब समाजवादी पार्टी के खेमे में जा चुके ओम प्रकाश राजभर ने निषाद पार्टी अध्यक्ष को सपा के साथ हाथ मिलाने का न्योता दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने संजय निषाद को लेकर कहा, मैंने संजय निषाद से पहले ही कहा था भाजपा ने मुझे भी धोखा दिया था। संजय निषाद ने खुद देख लिया है आरक्षण के ऐलान के नाम पर जो वादा भाजपा ने किया वो पूरा नहीं किया है। हम उनसे कहते हैं कि वे आएं और हम सब मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ें और उनको हराएं।
आज भाजपा से सारा वर्ग नाराज है। बेरोजगारी को लेकर युवा वर्ग नाराज है, जीएसटी से व्यापारी वर्ग नाराज है, खाद नहीं मिलने से किसान नाराज है। भाजपा ने संजय निषाद के साथ वादा किया था कि आरक्षण की घोषणा करेंगे, लेकिन आरक्षण पर बोले नहीं। इससे पूरे प्रदेश का निषाद समाज नाराज है और भाजपा को हराने के लिए निषाद समाज समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है। बता दें कि राजभर इससे पहले भी निषाद पार्टी की तरफ हाथ बढ़ा चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने कोशिश की है। दरअसल राजभर खुद आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी से अलग हुए थे, तो अब राजभर ने तो अपना दाव चल दिया है। अब देखना होगा कि निषाद उनके ऑफर को कबूल करते हैं या उससे पहले बीजेपी निषादों की नाराजगी दूर कर देती है। अनुप्रिया नाराज हैं और निषाद एनडीए छोड़ने के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में यूपी में बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। गठबंधन को लेकर बीजेपी की मुश्किल सिर्फ यूपी में ही बढ़ती नहीं दिख रही, बल्कि पंजाब में भी बीजेपी गठबंधन मुश्किल में फंसता दिख रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बीजेपी से गठबंधन कर फंसते दिख रहे हैं। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दावा कर रहे हैं कि पंजाब विधानसभा चुनाव पंजाब लोक कांग्रेस अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ जीतेगी। पंजाब लोक कांग्रेस का गठन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही किया है और उन्होंने बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ गठबंधन का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन सीटों को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। सीटों को लेकर बात बिगड़ भी सकती है, लेकिन गठबंधन में बात सीटों की संख्या तय होने से पहले ही बिगड़ती दिख रही है। इसके साफ साफ संकेत मिलने भी लगे हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह एसएडी संयुक्त के साथ गठबंधन का दावा कर रहे हैं और साथ ही बीजेपी को भी अपने पाले में ले आए हैं, लेकिन एसएडी संयुक्त बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी की ओर से एएसडी संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव ढींढसा को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके मजबूत गठबंधन बनाया जा सके। ढींढसा की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी कराई गई, लेकिन इस बैठक के बाद से एएसडी संयुक्त में बगावत के हालात बन गए हैं। पार्टी नेता रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया तो वो पार्टी छोड़ देंगे। पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता भी बीजेपी से गठबंधन के खिलाफ हैं। पार्टी में बीजेपी के खिलाफ तैयार हो रहे इस माहौल के बीच अब 21 दिसंबर को फिर से एएसडी संयुक्त की बैठक बुलाई गई है, जिसमें साफ होगा कि बीजेपी के साथ बनने वाले गठबंधन में पार्टी रहेगी या अलग राह पकड़ेगी। एएसडी संयुक्त नेताओं का तर्क है कि भले ही केंद्र ने कृषि सुधार कानून वापस ले लिए हों, लेकिन किसान आंदोलन के चलते लोगों में नाराजगी बरकरार है, इसलिए अगर बीजेपी के साथ गठबंधन किया गया तो चुनावों में पार्टी को नुकसान हो सकता है। यूपी और पंजाब दोनों ही जगह बीजेपी के गठबंधन सहयोगी उससे नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में चुनावों से पहले ही बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। राजनीति से अलग हटकर बात करें तो इस समय चिंता पूरे देश को कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर है। इस साल के शुरुआत में कोरोना की डेल्टा वेरिएंट ने जो दिन दिखाए उसे कोई याद नहीं करना चाहता, और अब एम्स की रिपोर्ट ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है और विपक्ष हमेशा सबूतों के साथ सरकार के दावों की पोल खोलता नजर आता है, लेकिन इस बार एक रिपोर्ट ने सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। दरअसल एम्स और नीति आयोग की रिपोर्ट ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में इलाज की कमी और समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से करीब 30% जान जाती है। आपको बता दें कि नीति आयोग और एम्स दिल्ली ने देश के 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 100 बड़े अस्पतालों और जिला अस्पतालों में मौजूद इमरजेंसी सुविधाओं को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में आने वाले करीब 30% मरीजों की जान समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से ही जाती है। इलाज में देरी होने के कई कारणों में एक कारण विशेषज्ञ और सीनियर डॉक्टर का उपलब्ध नहीं रहना भी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के ज्यादातर इमरजेंसी विभाग में रेजिडेंट डॉक्टर्स की ड्यूटी रहती है, इसीलिए यहां आने वाले मरीजों को इलाज मिलने में देरी होती है। इतना ही नहीं, इमरजेंसी विभाग में अधिकांश मरीजों का इलाज ऑर्थोपेडिक सर्जन ही करते हैं, जबकि चोट और सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के अलावा कई और बीमारी से ग्रसित मरीज भी इमरजेंसी विभाग में भर्ती होते हैं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश के सिर्फ 9% अस्पतालों के इमरजेंसी विभाग में ही जरूरी दवाएं हमेशा उपलब्ध रहती हैं। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 91% अस्पतालों में ही इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध हैं, जबकि सिर्फ 34% एम्बुलेंस में ही प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं जो तुरंत उपचार दे सकें। रिपोर्ट में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग बनाने की भी सिफारिश की गई है, ताकि लोगों को जल्दी इलाज मिल सके। एम्स ने ऐसी ही एक रिपोर्ट में पिछले दिनों बताया था कि देश के अस्पतालों में उपलब्ध कुल बेड में से 3% बेड ही इमरजेंसी इलाज के लिए उपलब्ध हैं। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया था कि इमरजेंसी के अधिकांश मामले निजी अस्पतालों में ही आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार निजी अस्पतालों में इमरजेंसी के 31 से 39 मामले आते हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में 19 से 24% मामले आते हैं।
अब उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को देखकर सरकार सिर्फ झूठे वादे करने के बजाय कुछ काम भी करेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात निजीकरण की। देश के विकास के लिए हर सरकार के पास अपना एजेंडा होता है, लेकिन मोदी सरकार के मास्टर प्लान में तो केवल निजीकरण ही है। तभी तो रेलवे से लेकर बैंकिंग क्षेत्र और सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिसे लेकर कई बार विरोध भी किया गया, लेकिन केंद्र है कि अपने कदम पीछे खींचने को तैयार ही नहीं है, बल्कि अब तो वित्त वर्ष के आखिरी समय में कई कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। वित्त वर्ष खत्म होने में अब महज चंद ही महीने बचे हैं, लेकिन मोदी सरकार अब तक विकास की रफ्तार को नहीं बढ़ा पाई है और न ही सरकारी खजाने को भर पाई है। इसलिए 3 महीने में उसका पूरा फोकस तेज गति से निजीकरण पर है। वो अब एक के बाद एक सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंप रही है। इसी कड़ी में हेलीकॉप्टर संचालक पवन हंस का नंबर आया है। हेलीकॉप्टर संचालक पवन हंस लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार को कई वित्तीय बोलियां मिली हैं, जिससे इस सार्वजनिक उपक्रम की विनिवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। दरअसल सरकार पवन हंस में अपनी 51% की समूची हिस्सेदारी बेच रही है। सरकार का कहना है कि घाटे की वजह से इसे बेचा जा रहा है। कंपनी को 2019-20 में कुल 28 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था और उसके एक साल पहले ये आंकड़ा 69 करोड़ रुपए था। सार्वजनिक क्षेत्र की हेलीकॉप्टर ऑपरेटर कंपनी पवन हंस के निजीकरण के लिए सरकार ने 2018 में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI आमंत्रित किए थे, लेकिन तब निवेशकों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन अब कई वित्तीय बोलियां प्राप्त की गई हैं। हालांकि पवन हंस खरीदने में रुचि रखने वालों के नाम का अभी खुलासा नहीं हुआ है। सरकार जिस पवन हंस कंपनी को बेचने की तैयारी कर रही है, उसकी स्थापना 1985 में की गई थी और इसके पास 40 से अधिक हेलीकॉप्टर का बेड़ा है। इसमें 900 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से आधे से भी कम कर्मचारी स्थायी हैं। लेकिन केंद्र सरकार के फैसले से इनकी नौकरी पर संकट आ गया है। मगर सरकार को इससे क्या, उसे तो केवल अपना खजाना भरने से मतलब है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट भाषण में भी घोषणा कर दी थी कि पवन हंस का निजीकरण 2021-22 में पूरा कर लिया जाएगा। अब चालू वित्त वर्ष को खत्म होने में केवल 3 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सरकार जोर शोर से जुटी है कि जल्द से जल्द विनिवेश के लक्ष्य को हासिल किया जाए। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV Live। नमस्कार।